नमस्कार, मैं हूं अमर चौहान और स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। क्लास 12th के बाद अब रिजल्ट आया है क्लास 10th का CBSE और इस वक्त मैं हूं JK पब्लिक स्कूल कुंजवानी, जिसका 100% रिजल्ट आया है। ये खुशी इनके चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स का प्रेशर, पेरेंट्स, टीचर्स, इक्वली बच्चों पे मुझे लगता है ज़्यादा होता है। सो मैं बता दूं कि इनके 180 टोटल स्टूडेंट्स में से 43 स्टूडेंट्स हैं जो अबव 90% हैं एंड 104 स्टूडेंट्स हैं जो कि अबव 80% है। सो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये स्कूल के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बात करते हैं। हाय, वेलकम टू स्टेट टाइम। थैंक यू मैम। व्हाट्स योर नेम? आन्या महाजन। आन्या, क्लास 10th, मतलब एक बहुत ही शुरू से ही बहुत ही प्रेशर, बोर्ड का एग्जाम्स, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? मैम, स्ट्रेटजी एक्चुअली इट्स लाइक यू डोंट हैव अ परफेक्ट स्ट्रेटजी ऑल द टाइम, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स डे टू डे, बट द मेन पॉइंट्स आई वुड लाइक टू शेयर इज दैट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरिंग योर डाउट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्विक रिविजन, एक्टिव रिविजन ऑल द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो टेल मी वन थिंग, स्टूडेंट्स का अक्सर टाइम टेबल का कभी वो फॉलो नहीं करते हैं, मैं भी उनमें से ही थी, तो क्या ऐसा आपका कोई टाइम टेबल था जिसे आप फॉलो करते थे, या आप भी मेरी तरह ही थे कि नहीं करते? मैम, देयर इज़ नो फिक्स टाइम एक्चुअली, एंड इट वेरीज विद स्टूडेंट्स अबाउट द टाइम टेबल, बट यू शुड हैव वन गोल दैट इफ यू हैव क्रिएटेड अ यू नो सब्जेक्ट लिस्ट और समथिंग, टॉपिक वाइज यू हैव समथिंग, यू शुड अचीव इट द डे, लाइक you have created your own timetable, but it's like you don't have to study fix hours, you just have to complete your day-to-day goals. You mean to say कि consistency is more important, and students जब कुछ fix कर लेते हैं तो उसे achieve करना easy रहता है, right? So all the best. अभी हमारे साथ एक और student है, आप इस तरफ आ जाएं. Yeah, welcome to State Times. What's your name? Sadaf. सदफ, मुझे आप बताइए कि जैसे क्लास 10th का बहुत ही प्रेशर रहा और लास्ट 2 ईयर्स से पेंडेमिक था, ऑफलाइन एग्जाम्स, देन ऑनलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में बच्चों ने भी बहुत सफ़र किया है, तो कैसे मैनेज किया? मैम, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि ऑफलाइन की तो बात ही अलग होती है, एंड प्रेशर हैंडल करना ऑब्वियसली मुश्किल तो था, लेकिन टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और उसकी वजह से प्रेशर हैंडल कर पाई मैं। वंडरफुल, सो क्रेडिट गोज टू टीचर्स, तो जोरदार तालियां टीचर्स के लिए होनी चाहिए, आई थिंक। वंडरफुल। सो सदफ, आपसे थोड़ा सा और मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से बहुत सारे बच्चे मैथ्स को लेकर डर जाते हैं, तो आपका कौन सा फोबिया था, किस सब्जेक्ट को लेकर आप ज़्यादा? मैम, सच मेरा कोई फोबिया नहीं था, मैथ्स तो मेरा फेवरेट था इनफैक्ट। यस मैम। सो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, स्पेशली इन क्लास 9th के, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे, एनी टिप? मैं बस उन्हें ये कहना चाहूँगी कि बी कंसिस्टेंट एंड अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो थोड़ी सी अब बॉयज़ के साथ भी बातचीत करते हैं, क्योंकि ये भी टॉपर हैं। हाय, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। यस मैम। व्हाट्स योर नेम? अर्नब गुप्ता। अर्नब, कितना स्कोर किया आपने? 97। ओह माय गॉड, 97, एक्सपेक्टेड था? यस मैम, आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर। ओके, यस मैम। ओके, सो क्या स्ट्रेटजी रही, लाइक आपका कोई टाइम टेबल या कुछ ऐसी स्पेशल चीज? मैम, एज सच देयर वाज नो पर्टिकुलर टाइम टेबल, बट बी कंटीन्यूअस इज मोर इम्पोर्टेंट, सच एज टू फुलफिल डे टू डे गोल इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सो जिस तरह से कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मौसम भी वैसा होता है, एग्जाम्स के वक्त नींद भी आती है, व्हाट डू यू थिंक कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए? मैम, डाइट इज आई थिंक more important than to have a day to day goal, because if we take junk food they make the person sleepy, but if we take fresh and healthy food, it makes you energetic. That's why I think we should take fresh only and try to avoid junk food. Alright, so abhi jaise class 10th ka aapka result aa gaya, so what are your future plans? Ma'am, I am preparing for my IIT, and it is my future. ऑल द बेस्ट। सो आई रिक्वेस्ट आप इस तरफ आ जाएं। हाय, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। हेलो, योर नेम? अदनान अहमद काजी। अदनान, आप क्या कहना चाहेंगे, क्लास 10th का बहुत ही प्रेशर रहता है और स्पेशली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपके टीचर्स की होती है, इवन खुद से भी हमें होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सो व्हाट वाज योर प्लान?
My plan from the beginning was just to focus on the basics, mainly focus on NCERT, not go to the refreshers or anything, only use it at the end of the time so that I could know the extra that could come in the exams. So what are your future plans? My future plan, obviously I chose medical, so I'm going to prepare for NEET now. And if there is a possibility, maybe for AIIMS. Are great. So all the best, or best wishes from our side as well. So I request अब आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, 180 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिनमें 100% रिजल्ट रहा. सो इनसे भी बात करते हैं. जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है. स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, गाइड्स, रिफ्रेशर्स, इनकी तरफ भागते हैं रादर देन वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर नहीं करते हैं. क्या कहना चाहेंगे इस पर? सो डेफिनेटली ये पैटर्न बहुत देखते हैं हम स्टूडेंट्स में. काफ़ी सारी रिफ्रेशर्स को कंसल्ट करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, बट जो अभी तक जो पैटर्न रहा है दैट इज़ कि एनसीईआरटी बेस्ड ही कम्प्लीटली एग्जाम्स आते हैं. सो डेफिनेटली मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा आने वाले जो भी और जो जूनियर्स हैं मेरे सारे, कि एनसीईआरटी को ही अपना मेन फोकस रखिए एंड उसी पे अपना सारा टाइम डेडिकेट कीजिए. एंड डेफिनेटली एक डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन करके रखना है जो पढ़ाई के शेड्यूल्स हैं. सो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. मैम आई एम एमिंग फॉर दी मेडिकल सेक्टर, सो मेरा भी नीट एग्जाम है मेरा 2024, दैट इज़ माई टारगेट. एंड रिसर्च फील्ड में भी आगे जा सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो माई सेकेंडरी ऑप्शन. थैंक यू. सो ये है हमारा फ्यूचर, भारत का फ्यूचर. कुछ यहाँ गर्ल्स हैं, मैं सोच रही थी कि इनसे भी हम बातचीत करें. हाई, वेलकम टू स्टेट टाइम्स, योर नेम? जैस्मिन कौर. जैस्मिन, जिस तरह से क्लास 9th में जब आप आते हो तो एक अलग ही माहौल है, लेकिन जब आप 10th में स्विच करते हो, बोर्ड का प्रेशर, ये सारी चीज़ें, तो डर लगा एग्जाम? मैम इनिशियली तो डर लगा, बट हमारे टीचर्स इतने ग्रेट थे, उन्होंने हमें डराने के बजाय उन्होंने हमें प्लान्स बताए कि आगे फर्दर आपने स्टडीज़ कैसे करनी है. तो हमारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा हमें, तो इतना डर नहीं लगा. सो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो एक बॉन्ड रहता है टीचर्स के साथ, वो पूरा का पूरा क्रेडिट ही टीचर्स को जाता है. क्योंकि जब तक टीचर्स बच्चों के साथ उस तरह का माहौल क्रिएट नहीं करेंगे कि बच्चे कम्फर्टेबल हो जाए उनके साथ, सो क्रेडिट गोज़ टू टीचर्स, राइट? हाई, बट What's your name? Divyanshi. Divyanshi, welcome to State Times. Thank you so much. जैसे like आपके बहुत सारे friends का एक ही है, consistency, consistency. What is your consistency? Again? Dedication. And work hard. Okay. So any special tip जो आप अपने friends को देना चाहते हो? Pressure में ना आएं, अपने concepts clear करें and work hard and focus on your goal. All right. So अभी थोड़ा सा future plans आपसे भी जानते हैं. What's your name? मैम माय नेम इज़ रुद्रानी कपूर. ओके रुद्रानी, आप क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाने वाली हैं? आई एम राइट नाउ इन स्ट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटीज, एंड माय फ्यूचर प्लान्स आर दैट आई वांट टू गो इनटू द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग. वंडरफुल. सो आप अभी से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? यस मैम, यस मैम, आई एम प्रैक्टिसिंग माय फाइन आर्ट्स. सो ऑल द बेस्ट. सो ये सारे बच्चे जो हैं क्लास 10th का, क्या होता है कि बहुत सारा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर. तो स्टूडेंट्स के साथ भी हमने थोड़ी सी बातचीत की. कुछ यहाँ पर भी बॉयज़ हैं जिनके चेहरे पर वो क्लियरली स्माइल, हम वो एक सुकून हम देख सकते हैं. हाय, व्हाट्स योर नेम? मैम रुशान अहमद. वेलकम टू स्टेट टाइम. थैंक यू मैम. लाइक सेम क्वेश्चन रहेगा आपके लिए भी, व्हाट आर योर फ्यूचर? मैम मेडिकल लेना है आगे इसमें. तो मैम टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा तो मैम आगे मेडिकल लेना है. रिजल्ट भी ठीक रहा तो आगे मेडिकल लेना है इसमें. ओके, टेल मी वन थिंग, जब एग्ज़ाम्स होते हैं स्पेशली बोर्ड के, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, कईयों को रात को नींद नहीं आती, एन्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस आजकल सोशल मीडिया ने बहुत काम खराब किया है. सो आप क्या अपना, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थे या आपने डीएक्टिवेट किया, या स्पेशली जो आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं, क्या कहना चाहोगे? मैम मैंने अभी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि अभी हम छोटे हैं इस लेवल के लिए. अभी हमें किसी मुकाम तक पहुंचना चाहिए पहले बनाने के लिए. अभी हम 9th 10th में, अभी हमारा इवन कि 11th 12th तक हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए. सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है. मोस्टली हम सिर्फ यूट्यूब देखना चाहिए, जिसमें हमें काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है, लेक्चर्स वगैरह, कभी कोई डाउट वगैरह हो एग्ज़ाम्स के टाइम पे. तो हम सोशल मीडिया से दूर रहना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. वंडरफुल. सो ये बहुत ही अच्छा टिप इन्होंने दिया है कि अभी जस्ट इनकी बिगनिंग है क्लास 10th में, जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगी स्टेट टाइम्स के माध्यम से कि जितना हो सकता है सोशल मीडिया से आप दूर रहिए, और सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ही आप सोशल मीडिया को यूज़ करिए. हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल सर, अगेन कैप्टन ऑफ द शिप. वेलकम टू स्टेट टाइम्स सर. थैंक यू वेरी मच. अगेन आई कैन सी दैट हैप्पीनेस ऑन योर फेस, राइट? या. सो कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक्स अ लॉट. सो स्पेशली जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, लाइक 100% रिजल्ट आना इज अ वेरी बिग थिंग. सो क्या कहना चाहेंगे?
when we are talking about a progressive and futuristic institution, then 100% is nothing. That's true. It is something very ordinary, mm-hmm. but we are grooming future generation. And for that matter, children, they are all very committed and dedicated, and they are set to take this nation to greater heights. Mm-hmm. So their performance is self-explanatory. Mm-hmm. They performed very well. And later on, also in due course of time, we want them to focus on their class 12th at the same time, mm-hmm. their future endeavors. Mm-hmm. So I want every child of JK Public School Kunjwani to have a definite career goals and work very hard. Thank you, sir. And the children have really brought us laurels all these years, and we want that future of this nation, that's our students, they should stay focused, committed, dedicated, perseverance, and take institution to greater heights. Best wishes from our side. Thank you very much. Thanks a lot. So, ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल सर. Now we have lovely parents जिनका बहुत ही ज़्यादा contribution रहता है. So I request all the parents कि इस तरफ आएं, so that कि हम इनके साथ भी बातचीत करें और जानें कि parents का बहुत बहुत बड़ा role रहता है. I think after teachers, parents ही ऐसे होते हैं जो बच्चों को motivate करते हैं. So welcome to State Times, ma'am. थैंक यू सो मच. कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सो मच मैम. एज अ मदर, क्या होता है कि बच्चे आजकल जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा स्विच हो चुके हैं. मम्मा ये नहीं खाना, मम्मा ग्रीन वेजिटेबल्स. अगेन वीकनेस, इंसोमिया, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? सो क्या आपने किस तरह से मैनेज किया ड्यूरिंग एग्जाम्स स्पेशली? ड्यूरिंग एग्जाम्स एक्चुअली मतलब ड्यूरिंग दिस इनका पूरा जो टेंथ रहा वो पेंडेमिक टाइम रहा. तो पूरे टाइम पे इम्यूनिटी वॉज द मेन दिस इशू कि दैट दे शुड हैव गुड इम्यूनिटी एंड हेल्थ शुड स्टे मतलब नॉर्मल. तो दैट वॉज थ्रू आउट द ईयर, बट ड्यूरिंग एग्जाम्स एस्पेशली इट वॉज कम्प्लीटली नो जंक एट ऑल. ऑल दो अदरवाइज ऑल्सो आई डोंट अलो मच ऑफ दैट, बट दैट टाइम ऑल्सो एंड उनकी साइड से ही यही था दैट ही वॉज कम्प्लीटली विल नो आउटसाइड फूड. ही वॉज हिमसेल्फ ऑल्सो एंड वी ऑल्सो सपोर्टेड हिम. वी ऑल्सो सपोर्टेड, हमने भी स्टेड अवे फ्रॉम आउटसाइड फूड, जंक फूड. एंड ही वॉज ऑल्सो मतलब कम्प्लीटली कि नो मम्मा नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, फ्रूट्स ऑन टाइम एंड अदर थिंग्स, जूसेज एंड फूड एट प्रॉपर टाइम, नॉट वेरी हैवी फूड, शॉर्ट या लाइट फूड, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाना टाइम से. सो दिस वॉज द टारगेट. बट बच्चे आजकल आई थिंक दैट दे आर वेरी अवेयर, दे नो वॉट टू डू इन ऑल द थिंग्स. अपने गोल्स इनके सेट है, इनकी ज़्यादा क्लैरिटी है माइंड में. दिस जनरेशन इज मोर क्लियर. वी वेयर नॉट एट आर टाइम. ऑल्दो आई एम माई सेल्फ इन टीचिंग, आई कैन सी जो आज बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, दे नो वट दे हैव टू डू. बट एट द सेम टाइम काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस भी है. तो एज पेरेंट्स वी हैव अ रोल, है ना, हमें उसको देखना है क्या चीज़ें हैं. तो वी प्लेड आर रोल, टीचर्स प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम्स. ऑनलाइन मोड में भी दे वेर ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल. मोस्ट ऑफ द टीचर्स, वेरी ब्रिलियंट टीचर्स वी हैव इन दिस स्कूल, नाइस टीचर्स, तो वो भी अवेलेबल थे. दे वेर गाइडिंग पेरेंट्स से भी जो हो सका बेस्ट वी डेड. बट बच्चे दे नीड एक्चुअली मतलब जितना भी क्रेडिट है दैट गोज टू द स्टूडेंट्स, टू द चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच मैम. सो वेलकम टू स्टेज. पंकज ग्रोवर मैम. पंकज जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर जो पापा होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मदर. कुछ घरों में आई थिंक हमारी इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही है, वो पापा का एक रोल ही इस तरह का. सो सोशल मीडिया में बच्चों को दूर रखने के लिए वॉट डू यू थिंक कि ज़्यादा रोल किसका रहता है? ऑब्वियसली मैम, घर के तो पेरेंट्स जो होते हैं उन दोनों का एक जैसा ही रोल रहता है. डिपेंड करता है कि बच्चे जो है वो किसके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है. तो उसमें बच्चों को बस हमेशा यही मतलब हमारे तरफ से कोशिश रहती है कि बच्चे सही रास्ते के ऊपर में चलते रहें, किसी गलत किसी सिचुएशन में ना पड़े. क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह हर टाइम में किसी ना किसी टाइप की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करते रहते हैं. उसमें जितना ज़्यादा जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उसको हमारे को हर तरफ से उनका ध्यान रखना पड़ता है हर साइड में. उसमें चाहे मदर हो चाहे फादर हो, बच्चे कभी भी, मेरा तो ये मानना है कि बच्चों के साथ में हमेशा एक फ्रेंड का रिलेशन बना के रखना चाहिए. क्योंकि आप जितना ज़्यादा बच्चे के साथ में अगर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बरतोगे, बच्चा नेचुरल सी बात है हेजिटेट करेगा हर चीज़ को, छुप छुप के रहने लग जाएगा हर चीज़ को. जो क्लैरिटी पेरेंट्स की जो बच्चों के साथ एक फ्रेंड रिलेशन में होता है ना, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. बिकॉज आजकल का टाइम पहले जैसा नहीं है, हमारा टाइम कुछ और था. आज की डेट में बच्चे जो हैं अपना फ्यूचर बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है. हमारे को कुछ भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है. बट यही है कि
बच्चे के जो पेरेंट्स वगैरह अगर अपना घर का माहौल, अपना घर का एटमॉस्फेयर ठीक रहे, खुद किसी ऐप वगैरह में ना पड़े, खुद अगर अपने घर में अगर हेल्दी की तरफ में ध्यान रखें, हेल्थ कॉन्शियस रहे, अच्छा डाइट लें, सब कुछ रहे, तो बच्चे भी उसी राह के ऊपर में चलते रहे। सबसे मेन चीज़ है देखो, बच्चे जो हैं कहते तो हैं कि बच्चे स्कूल्स में कितनी देर रहते हैं या फ्रेंड सर्कल्स में कितनी देर रहते हैं, उनको ज़्यादा टाइम जो होता है अपने पेरेंट्स के साथ में और अपने घर में निकालना होता है। तो इसलिए घर का एटमॉस्फेयर अगर हम सही रखें तो बच्चे नेचुरली अब सही राह के ऊपर भी चलते रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि घर पे माहौल अगर आप वैसा रखेंगे, बार बार पिज्ज़ा पार्टी, बार बार आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे करेंगे। सो वेल सेड सर, थैंक यू सो मच सर। थिंग जो है हमारे जो आजकल के जो है, ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, ठीक है, सब ने बहुत अच्छा, मतलब आपने 100% दिया मैम, क्योंकि इस टाइम पे सभी को पता है कि लास्ट जैसे 2 साल जैसे हम लोगों ने जिस टाइम से मतलब गुजरे हैं, बहुत सी सिचुएशंस का हमने फेस किया है, लेकिन बच्चों ने उसको हटा कर भी अपना बिल्कुल अपने स्टडीज़ की तरफ प्रॉपर फोकस किया। बिकॉज देखो ऑनलाइन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे सही रूट में भी चलते हैं, गलत रूट में भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन मीन्स नेट के साथ कनेक्टिविटी उनके हमेशा 100% रहनी है, ठीक है, तो उस को भी प्रॉपर वे में निकाल के बच्चों ने इतना अच्छा अपना 100% दिया, जिसमें अब स्कूल का इतना अच्छा स्टाफ वगैरह मिला, सब ने अपना बच्चों के ऊपर प्रॉपर फोकस रखा, स्टडीज़ के लिए टाइम टू टाइम हर चीज़ प्रोवाइड करना, वो बहुत वंडरफुल रहा। जेके पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, नो डाउट। वी आर फुली सेटिस्फाइड विद द स्कूल, ऑल द स्टाफ मेंबर्स, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ जेके पब्लिक स्कूल। मैम थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सो मच सर। मैम वेलकम टू स्टेट टाइम्स, थैंक यू। माय नेम इज अनु गुप्ता। ओके अनु मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि घर का माहौल, राइट, बट डू यू रियली थिंक कि क्या वो चीज़ें आज की डेट में वैसी मैनेज हो पाती हैं, लाइक बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना, देन चैलेंजेस जंक फूड से भी दूर रखना, और तीसरा प्रेशर है 10th का, दैट इज़ बोर्ड, सो कैसे मैनेज होता है? मैम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, रादर हमारी जो जनरेशन है हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें सीख के भी आए हैं, और इन बच्चों को अगर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम ही दे सकते हैं, स्कूल भी प्रोवाइड करता है, ऑल दो वी हैव सो मैनी रिसोर्सेज, तो उनको अवेल करके हम बच्चों को बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे सकते हैं, रादर अगर हम अपने भी इतना प्रेशर ना डालें तो बच्चे भी इतने प्रेशराइज नहीं होंगे। मेन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने आप को कूल माइंड के साथ रखें, टीचर्स भी कूल होती है, हम भी कूल होते हैं, तो हम थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज इन्होंने दिया, और इन्होंने कहा कि अगर घर का माहौल आप कूल रखते हैं और वही सेम माहौल आप बच्चों को देते हैं, सो मुझे लगता है कि एक जोरदार हूटिंग होनी चाहिए, राइट? सो हिप हिप हुर्रे, ओ माय गॉड, व्हाट वाज दैट, आप लोगों में जोश ही नहीं है, सो एक लाउड सा आपका वो हो जाए, कौन करेगा? यस, हिप 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 हिप, वंडरफुल। सो क्रेडिट गोज टू जेके पब्लिक स्कूल के पूरे स्टाफ को, और ये मोमेंट मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर आप ये जो माहौल है पूरे साल की मेहनत का ये एक नतीजा है, बच्चों का मुंह मीठा कराया जा रहा है, सो आई थिंक क्लैप एवरीवन। सो ये ब्यूटीफुल सा मोमेंट जो अभी आप देख रहे हैं जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी का है, जहां पर क्लास 10th का 100% रिजल्ट आया है, और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के साथ साथ मुझे लगता है टीचर्स का जो योगदान रहा वो बहुत ही तारीफ़े काबिल था। सो ये माहौल जो है साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है, दैट इज़ आफ्टर 10th का जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसके बाद बच्चों का कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि क्लास 11th में उतना प्रेशर नहीं होता है, अगेन इनको क्लास 12th के लिए फिर से वही मेहनत करनी पड़ती है। तो हम स्टेट टाइम्स की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, आप लाइफ में जो भी चाहते हैं आप वो अचीव करें। सो ये थे मेरे साथ क्लास 10th के स्टूडेंट्स जिन्होंने अचीव किया है 100% रिजल्ट जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी का, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं यही स्टेट टाइम्स की तरफ से इसके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज़ अपने घर पे इस तरह का माहौल बनाएं कि बच्चे कभी भी कोई चीज़ आपके साथ शेयर करने में हेजिटेट ना करें, जंक फूड से हो सके तो आप उन्हें ज़रूर दूर रखें, और नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी, टिल देन कीप वॉचिंग स्टेट टाइम्स।